हेलो दोस्तों, मैं आज सभी का वीर जी आदि और इस वीडियो में बात करेंगे TVS Vector BS6 के बारे में। इस बाइक में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या प्राइस रहेगी बाइक की और इंजन में क्या क्या अपडेट है, बाइक के अंदर क्या अपडेट किया है, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जब बाइक BS6 में लॉन्च होगी, कब तक लॉन्च होगी, और मैं आपको बताना चाहूँगा इस बाइक में एक अलग ही खासियत है अपने सेगमेंट के अंदर, जो खासियत ये बाइक रखती है उस चीज़ के बारे में वीडियो में बात करूँगा आपसे, क्या कुछ है बाइक में। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, हेलो दोस्तों, मैं आपसे का वीर जी आदि और अपने सही भाई और बहनों का स्वागत करता हूं आज फिर से एक नए वीडियो के अंदर। अब वीडियो स्टार्ट करने के साथ सबसे पहले बाइक के BS6 इंजन के बारे में बात करेंगे। इस बाइक में आपको 110 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। और इस इंजन की एक खास बात यह है कि इसमें आपको 3 वाल्व देखने को मिलते हैं। देखो, बहुत से भाइयों को पता भी है चीज़ कि 3 वाल्व देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पता है। और ये 3 वाल्व का फ़ायदा क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको मिलता है। सबसे पहली चीज़, आपने TVS की स्टार सिटी देखी होगी, वो भी 110 सीसी में आती है, सब लोग जानते उसे भी। उस बाइक की जो पावर फिगर है, TVS की खुद की बाइक है स्टार सिटी, वही 110 सीसी में, उसकी जो पावर फिगर है वो है 8.1 BHP, उसके साथ ही 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क। और अपनी जो विक्टर है, मतलब TVS विक्टर है, जो कि 3 वाल के साथ आती है, इस बाइक की अगर पावर फिगर देखते हो प्रेजेंट में, तो ये बाइक आपको 9.3 BHP की पावर के साथ ही 9.4 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। और BS6 में इसकी पावर लगभग 0.1-0.2 BHP या फिर न्यूटन मीटर कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी 9 या 9 से प्लस रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब 3 वाल की वजह से इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस बाइक की, और इसको इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और ये चीज़ आपको इसी बाइक में देखने को मिलती है। इसके साथ ही बाइक में और भी एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और इसकी माइलेज की बात करें तो माइलेज पर भी वाल का फ़र्क पड़ता है। इस बाइक की माइलेज आपको TVS स्टार सिटी से ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाहे वो 2-4 किलोमीटर क्यों ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा माइलेज इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। और इसकी माइलेज आप लगा के चल सकते हो, लगभग 10-12% बढ़ जाएगी। और ये बाइक आपको BS6 में आने के बाद लगभग 70 प्लस माइलेज इजीली दे देगी, 70 या फिर 80 तक की माइलेज भी। आपकी राइडिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। तो इसके साथ ही अगली चीज़ के बारे में बात करें, इसके मीटर के बारे में, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, इसका मीटर भी अलग ही खासियत रखता है अपने सेगमेंट के अंदर। इस सेगमेंट के अंदर बोल रहा हूं मैं, इसके मीटर में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अब भी देखने को मिलती है प्रेजेंट में, जो कि और बाइकों में नहीं आती सेगमेंट में, लेकिन अभी BS6 में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बढ़ जाएगी मीटर के अंदर। इस मीटर के अंदर आपको बेसिक डिटेल तो मिलती है सारी, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह, लेकिन इनके अलावा ही काफी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। 110 सीसी की बाइक में RPM मीटर आ जाता है, उसके साथ इसमें आपको सर्विस ड्यू इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, उसके साथ ही बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, उसके साथ ही 2 ट्रिप मीटर देखने को मिल जाते हैं, और उसके अलावा इसमें अब आपको इंजन चेक लाइट भी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा मीटर के थ्रू ही कि इंजन के टेक्निकल चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा अपडेट के हिसाब से ये भी है कि इसके मीटर के अंदर आपको टाइम भी देखने को मिलेगा, बाकी इस चीज़ के बारे में फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मीटर के अंदर है इस सेगमेंट में। इसके अलावा अगली चीज़ के बारे में बात करें, इसके फ्रंट लुक के बारे में, BS6 में आपको क्या मिलने वाला है फ्रंट लुक में, तो मैं आपको बता दूं, आपकी उम्मीद कुछ ऐसी है कि इसमें आपको LED हेडलाइट देखने को मिलेगी। तो अपडेट है ऐसी कि LED हेडलाइट आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि LED हेडलाइट आएगी, मुझे लगता है कि हैलोजन ही आएगी, इसलिए मैं अपने मन की बात भी आपसे बताना तो चाहूँगा यार। वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, ताकि आपको LED हेडलाइट मिल जाए, क्योंकि गलत साबित होऊंगा मैं तभी तो आपको LED हेडलाइट मिलेगी इस बाइक के अंदर। बाकी इस बाइक में आपको वही थोड़ा सेम चीज़ देखने को मिलेगी, वही हेडलाइट और विंडशील्ड वगैरह और जो इंडिकेटर रहेंगे वो भी सेम रहेंगे, थोड़े बहुत माइनर से चेंज बाइक के अंदर किए जाएंगे इसकी लुक को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। हल्के फुल्के चेंज आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि बाइक को थोड़ा सा न्यूली डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा इसकी साइड लुक की बात करें, तो साइड लुक में भी आपको बड़े चेंज देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ भी आपको माइनर से अपडेट देखने को मिलेंगे। फेयरिंग के अंदर जो इसकी प्लास्टिक के पैनल्स है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको नए ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे, नए कलर्स भी देखने को मिलेंगे, और रियर के अंदर जो टेल लाइट है, टेल लाइट का डिज़ाइन भी हल्का सा चेंज कर दिया जाएगा, बहुत ही माइनर से चेंज हो गया। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, बाइक BS6 में आएगी तो देख के ये मत बोलना कि भाई आपने बदलाव बोला था लेकिन बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ माइनर से बदलाव होंगे, वो मैं आपको खुद से बता दूंगा वीडियो बना के जब बाइक आ जाएगी शोरूम में। इसके अलावा अगली चीज़ के बारे में बात करें, तो इसमें आपको हैजार्ड लाइट स्विच देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी बाइक के चारों इंडिकेटर ऑन कर सकते हो,
और मैं आपको बता दूं, जो आप किल स्विच समझ रहे हो यही हैजार्ड लाइट का स्विच है। जो बाइक में नॉर्मली किल स्विच होता है, इस बाइक के अंदर वो हैजार्ड लाइट का स्विच है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। इस बाइक की ब्रेकिंग में अगर आप देखो तो इसमें आपको फ्रंट के अंदर दोनों ऑप्शन मिलते हैं, ड्रम भी मिलता है और डिस्क भी मिलता है। ड्रम वाले ऑप्शन पर जाते हो तो आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है फ्रंट में। उसके अलावा डिस्क वेरियंट पर जाते हो तो आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और रियर में आपको दोनों ही वर्जन में 110mm का 110mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। और ये ब्रेकिंग सिस्टम TVS की SBT टेक्नोलॉजी के साथ आता है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगली चीज़ के बारे में बात करें, इसके सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन आपको वही सेम मिलेंगे, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं रहेगा सस्पेंशन के अंदर। और मैं अब आपको इसकी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो, मुझे इस बाइक में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है इसका हैंडल बार और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका मीटर। हैंडल बार इसलिए पसंद है क्योंकि इसके जो स्विचेज वगैरह है, जो स्विच आप देखते हो वो थोड़े प्रीमियम लगते हैं सेगमेंट के हिसाब से। मतलब इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम स्विचेज मुझे तो शायद इसी बाइक में लगते हैं, बाकी आपको किसी और में लगते हो तो बता देना मेरे को कमेंट करके। इसके साथ ही इस बाइक की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कुछ रहने वाली है। इस बाइक की प्राइस की बात करें तो आपको दिल्ली एक्स शोरूम जो प्राइस बाइक की देखने को मिलेगी वो लगभग आपको 64,000 से 66,000 के आसपास देखने को मिलेगी। मतलब 64,000 से 66,000 तक, मतलब इसके आसपास रहेगी, 1,500 रुपये ऊपर नीचे हो जाएंगे। और ऑन रोड आपको लगभग 80,000 से लगभग 82,000 या फिर 83,000, मतलब 82,000 से 83,000 रुपये तक आपको ऑन रोड देखने को मिलेगी। ये इस बाइक की प्राइस रहने वाली है। और ये जो है, मैंने एक्स शोरूम और ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से बताया, बाकी आपकी सिटी के हिसाब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके साथ ही लॉन्च डेट मैं आपको बता देता हूँ, इस बाइक को लॉन्च होना था अभी अप्रैल के अंदर, अप्रैल के स्टार्टिंग में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लॉन्च नहीं हुई है। आप सब समझ रहे हो क्या हालत है देश की। अब ये बाइक लॉन्च होगी आज से लगभग 2 महीने बाद, मतलब आज से लगभग 2 महीने बाद आप लगा सकते हो, अप्रैल मई के एंड में या फिर जून जुलाई के आसपास बाइक को लॉन्च किया जाएगा। तो थोड़ा सा लेट होगी ये लॉन्च, बाकी बाइक आ जाएगी आपकी और आप ले सकते हो बाइक को। और इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर दो नए आए तो, और वीडियो लाइक कर देना यार। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो स्टार सिटी और ये जो विक्टर है, दोनों बाइक में से आपको क्या बाइक पसंद है मेरे को बताना, क्योंकि मुझे पर्सनली विक्टर पसंद है। इन दोनों बाइक में से स्टार सिटी से कहीं ज़्यादा बेटर लगती है मुझे विक्टर, और बाकी वो बाइक भी अपनी जगह परफेक्ट है, ऐसी बात नहीं है, मतलब बढ़िया है वो बाइक भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर।